वनपाल से डिप्टी रेंजर का कार्यवाहक प्रभार में नियमों की अनदेखी का लगाया आरोप। मां दुर्गा मंदिर की मनाई गई 25वीं वर्षगांठ, हुए विविध आयोजन। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित, भाजपा कार्यालय में बहनों ने मनाया जश्न। शासन के आदेशानुसार वन विभाग में पदस्थ वनपाल को कार्यवाहक डिप्टी रेंजर बनाए जाने का आदेश जारी किया गया है, जिसके बाद बालाघाट वन वृत्त में 37 रिक्त पदों पर वनपाल से 37 उप वन क्षेत्रपाल पदों पर कार्यवाहक डिप्टी रेंजर बनाए गए हैं। इस पदोन्नति में नियमों की अनदेखी कर शासन द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन नहीं किए जाने का आरोप सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी पेंशनर्स महासंघ ने लगाते हुए इस भर्ती प्रक्रिया में सुधार कर इन गलतियों का निराकरण नहीं किए जाने पर न्यायालय में याचिका लगाने की चेतावनी दी है। इस संबंध में महासंघ के अध्यक्ष विजय जंग बहादुर सिंह बैस ने कहा है कि इस पदोन्नत प्रक्रिया में शासन के नियमों की अनदेखी करते हुए वरिष्ठ वनपाल को कार्यवाहक डिप्टी रेंजर न बनाकर कनिष्ठों को प्रभार दे दिया गया है। 37 रिक्त पद हैं बालाघाट वन वृत्त के अंतर्गत, जिसमें इन्होंने 37 ही लिया है। जितने पद रिक्त हैं उसके आधार पर ही इन्होंने पोस्ट लिया, परंतु सीनियरिटी के आधार पर नहीं लिया है इन्होंने, जबकि इसमें सीनियरिटी और वर्तमान में अगर उनके पुल पर कोई केस वेस नहीं चल रहा है, वर्तमान में कुछ भी नहीं है उनका, तब उस व्यक्ति को तो लेना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है। इन्होंने पूरी समिति गठित किया था और समिति गठित करके जो पदोन्नति की जो पात्रता होती है उसको ध्यान में रखा है, जबकि शासन के निर्देशों में कहीं भी ये लिखा नहीं है कि पदोन्नति की पात्रता इसमें होना चाहिए। वनपाल से डिप्टी रेंजर के लिए भी निर्देश हैं, उसके तहत यहाँ पे एक छानबीन समिति गठित करके उनके रिकॉर्ड का परीक्षण किया गया है। उसके बाद जो है जो उसमें पात्र पाए गए हैं वरिष्ठता क्रम में, उनको उसमें उपवन क्षेत्रपाल का कार्यवाहक के रूप में उन्हें वो किया गया है। हमारे जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के मुताबिक पूरे वृत्त में वनपाल डिप्टी रेंजर्स के 37 पद रिक्त थे 1 सितंबर 2023 की स्थिति में, और इसीलिए उनमें 37 पद के विरुद्ध ही उनको कार्यवाहक का डिप्टी रेंजर का वो प्रभार दिया। शहर मुख्यालय के हनुमान चौक में स्थित मां दुर्गा मंदिर में माता रानी की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को 25 वर्ष पूर्ण होने पर मां दुर्गा मंदिर समिति द्वारा 25वीं वर्षगांठ हर्षोल्लास से भक्तिमय माहौल में मनाई गई। इस अवसर पर सुबह माता जी का श्रृंगार कर पूजा अर्चना व हवन पूजन किया गया। माता रानी को 56 भोग चढ़ाकर महाप्रसाद वितरण किया गया। इस संबंध में मंदिर समिति के पदाधिकारी डिम्पी कोहली ने बताया कि 21 सितंबर 1998 में माता रानी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, जिससे आज 25वीं वर्षगांठ मनाई गई। मंदिर को स्थापित हुए आज पूरे 25 वर्ष कंप्लीट हो गए। 25 वर्ष पहले 21 तारीख को आज ही प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। आज के विशेष कार्यक्रम में यह है कि माता जी के 56 भोग लगे और गर्भगृह में जो पुराना स्वरूप था वो पूरा स्वरूप चेंज हो रहा है। माता जी की प्रतिमा वही रहेगी, माता जी का श्रृंगार होगा और उसके बाद 56 भोग करेंगे। 56 भोग के बाद सवा मन बोधी का प्रसाद चढ़ेगा। महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने लोकसभा में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित किया है। इस अधिनियम के पारित होने से जिला भाजपा कार्यालय में महिला मोर्चा द्वारा आतिशबाजी करते हुए मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया। इस दौरान महिला मोर्चा की पदाधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा महिलाओं के लिए लोकसभा व राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए महिला मोर्चा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद ज्ञापित किया है। सभी
नारी शक्ति की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कोटि कोटि धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आज उनके ही कारण, उनके आशीर्वाद से नारी शक्ति बंधन अधिनियम पास हुआ है और इतने लंबे इंतजार के बाद आज यह 33% महिला आरक्षण हम सबको प्राप्त हुआ है। मैं हृदय से आभारी हूँ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा एवं निर्वाचन आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करते हुए राजस्व, पुलिस एवं वन अधिकारियों की संयुक्त बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित हुई, जिसमें कलेक्टर डॉ. गिरीश कुमार मिश्रा व पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जिले में स्थित परिवहन विभाग, वन विभाग, पुलिस विभाग के नाकों में सर्चिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अनुसार करने एवं नाकों पर CCTV लगाए जाने के निर्देश दिए। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नाकों में की जाने वाली प्रतिदिन की कार्यवाही से निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराने के भी निर्देश दिए गए। भारतीय किसान संघ के नेतृत्व में किसान यूनियन परसवाड़ा द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर गुरुवार को रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। इस दौरान किसान संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि धान का लाभकारी मूल्य 4500 रुपये प्रति क्विंटल किसानों को दिया जाए, फसल बीमा को सरलीकरण कर किसानों को इकाई मानकर बीमा का लाभ दिए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर लंबे समय से सरकार से ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया जा रहा है, लेकिन हमारी मांगों पर अमल नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शीघ्र मांगों पर अमल नहीं किया गया तो आगामी समय में समस्त किसानों को आंदोलन करने बाध्य होना पड़ेगा। आज मांग रही है किसानी। भगवान बलराम की जय। भगवान बलराम की जय।